जंगल का मतलब है रहस्य, जंगल का मतलब है एडवेंचर, जंगल का मतलब है डरावनी और सुंदरता का मिश्रण। लेकिन आज मैं किसी दुनिया के भयानक जंगल की काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी पर बनी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। अमेजन जंगल को दुनिया का सबसे गहरा और भयंकर जंगल कहा जाता है। क्या हुआ जब एक आदमी वहाँ फंस गया? और फिर दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेजन में उसके साथ जो हुआ उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये घटनाएं असल में किसी के साथ घटी थी। फिल्म की शुरुआत में इस लड़के को दिखाया गया है, उसका नाम यूसी है। 3 साल तक सेना में सेवा देने के बाद यूसी ने 1980 में इजराइल छोड़ दिया क्योंकि वो बाकी 5 लड़कों की तरह घर पर या नौकरी करके जीवन नहीं जीना चाहता था। उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य था एडवेंचर। अज्ञात रहस्यों को उजागर करना उसके शौक या जीवन का उद्देश्य था। इस उद्देश्य के लिए यूसी दक्षिण अमेरिकी शहर बोलिविया के लिए रवाना होता है। यहाँ उसकी मुलाकात मार्कस नाम के एक व्यक्ति से होती है। मार्कस एक स्कूल टीचर है और बहुत खुशमिजाज इंसान है। पहली मुलाकात में यूसी और मार्कस बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर वे दोनों साथ साथ घूमने लगे और इसी तरह एक दिन घूमते हुए मार्कस की मुलाकात अपने दोस्त केविन से हुई। केविन एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जो गहरे जंगल या समुद्र में तस्वीरें लेता है। इसके बाद वे तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे अच्छा समय बिता रहे थे। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात काल नाम के इस आदमी से होती है। मुलाकात के बाद वह यूसी को बताता है, मुझे एक जगह की तलाश है जहाँ जंगल जितना गहरा है उतना ही रहस्यमय भी है, और उस जंगल के भीतर एक अज्ञात और भयानक आदिवासी समुदाय छिपा है जो हमारे समाज से बहुत अलग है। हालांकि हमारा समाज बहुत सभ्य और शिक्षित है, उस भयानक जंगल के बीच में वे अभी भी आदिम युग में हैं। उनके बारे में कोई नहीं जानता। यदि आप चाहें तो मेरे साथ वहां जा सकते हैं। यूसी यह सब सुनकर बहुत खुश होती है। वो ये सब अपने दोस्तों को बताती है, लेकिन मार्कस और केविन इस सब पर विश्वास नहीं करते हैं कि अब भी किसी जंगल में आदिम युग चल रहा है। लेकिन यूसी की बात पर वे काल से मिलने के लिए तैयार हो गए। काल उन्हें एक नक्शा दिखाता है और वहाँ कुछ अज्ञात स्थानों के बारे में बताता है जहाँ न केवल आदिम जनजातियाँ हैं बल्कि खजाने या सोने के भंडार भी हैं। लेकिन ये शब्द मार्कस और केविन को बहुत आश्वस्त करने वाले नहीं लगते। उन दोनों ने उस भयानक खतरनाक जंगल के बीच में जाने का विरोध किया, लेकिन आखिरकार सभी सहमत हो गए। काल उनसे कहता है, मैं जंगल के बारे में सब कुछ जानता हूँ, अगर कोई खतरा आता है तो मैं उसे संभाल लूंगा, चिंता मत करो। 4 नवंबर 1981 को वे सभी आवश्यक सामान लेकर चले गए। पहले कहना बेहतर है, आवश्यक सामानों में से यूसी जब आया तो एक पवित्र पुस्तक लाया। जल्द ही वे अमेजन के गहरे जंगल में प्रवेश कर गए जहां चारों ओर हरियाली ही हरियाली है और हमें तरह तरह के अनजान पशु पक्षी और नदियां नजर आती हैं। ठीक इसीलिए ये सभी यहां आए हैं। पूरे दिन के बाद वे एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं और वहां तंबू बनाकर रात बिताते हैं। अगली सुबह वे और गहराई में जाने के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे वे जंगल की गहराई में प्रवेश करते गए और इस तरह वे धीरे धीरे जंगल के वातावरण से परिचित हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य 3 इस भयानक जंगल के लिए नए हैं, लेकिन काल बहुत अनुभवी है। वह आकाश के चारों ओर का मौसम देखकर बता सकता था कब बारिश होगी और कब मौसम साफ रहेगा। जंगल के अंदर घूमते घूमते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ कई लोगों ने बस्ती बना रखी थी। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद वे फिर से अपने गंतव्य के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक बर्तन के साथ नदी से एक पत्थर उठाते हुए यूसी को सोने का एक टुकड़ा भी मिला। एक दिन जंगल के रास्ते में उन्होंने एक बंदर देखा और उसे देखते ही उसे गोली मार दी और अंत में रात के खाने के लिए बंदर को खा लिया। जंगल में लंबे समय तक चलने के कारण मार्कस के पैर में घाव हो गया। काल ने उसका इलाज किया और ये देखा गया कि वो धीरे धीरे चलने में असमर्थ हो गया है। काल फिर कहते हैं, जहां वे अभी हैं, वहां से बस कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर वे ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां एक और बस्ती होगी। लेकिन मार्कस के लिए अब पैदल चलना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने नदी का अनुसरण करने का फैसला किया। उन सभी ने कुछ पेड़ की शाखाओं से एक छोटी सी नाव बनाई। फिर वे नाव लेकर जंगल की नदी पार करने लगे। नदी में उतरते समय देखा कि एक जगह नदी का बहाव बहुत तेज था। उनकी नाव पानी के बहाव में पलटने लगी। मार्कस के पैरों की हालत पहले से ही बहुत खराब है, उस पर फिर से इस नदी का बहाव आती है। फिर वे किसी प्रकार के सामने वाले किनारे पर आ जाते हैं। अगले दिन काल ने फैसला किया कि वो जंगल में अधिक गहराई तक नहीं जाएगा, जबकि केविन ने फैसला किया कि वो नदी के रास्ते का अनुसरण करेगा। हालांकि अगर मार्कस के पैर नदी में ले जाते तो मार्कस को नुकसान हो सकता है, इसलिए केविन उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है।
मार्कस भी केविन के फैसले से नाखुश है। उसने काल के साथ जंगल छोड़ने और अपोलो लौटने का फैसला किया, अर्थात जिस स्थान से उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी उसे अपोलो कहा जाता था। इसके बाद केविन और यूसी काल से नदी तक जाने का रास्ता पहचानता है, लेकिन काल उन्हें बताता है कि नदी के थोड़ा आगे बढ़ने पर तेज बहाव है और अगर आप इसे पार भी कर ले तो एक ऐसी जगह है जहां बोट के सहारे पानी के बहाव में टिके रहना नामुमकिन है, इसलिए आप दोनों बस अपनी मृत्यु की ओर चल रहे हैं। काल और मार्कस यूसी और केविन को छोड़कर चले जाते हैं। यूसी और केविन नदी के नीचे अपनी यात्रा शुरू करते हैं। देखा जा सकता है कि ये दोनों नाव पर कभी शांत तो कभी उग्र धाराओं के बीच से आगे बढ़ रहे हैं। काफी दिन तक इसी तरह यात्रा करते हुए एक दिन उन्हें अपनी नाव गहरे पानी में तैरती हुई मिली। वास्तव में यह वो बहाव थी जिसके बारे में काल ने उन्हें बताया था। सावधानी से अपने बोट तैराते हुए वे अचानक उस बहती हुई बहाव के सामने आ गए। जैसे ही केविन को खतरे का एहसास हुआ उसने यूसी से नाव को तेजी से चलाने के लिए कहा ताकि वे जल्दी से दाहिनी ओर नदी के किनारे तक पहुंच सके। चारों ओर पहाड़ और बीच में एक विशाल नदी और उस नदी का जल प्रवाह रुद्र का रूप धारण कर लिया। नदी की धारा उनकी नाव को पलटने की कोशिश कर रही है। इस हालत में किनारे तक न पहुंच पाने के कारण वे किसी तरह सामने पड़ी एक बड़ी चट्टान के पास रुक गए। खुद को संभालते हुए केविन यूसी से कहता है कि वो खुद को इस तरह चट्टान के पीछे पकड़े रहे। यूसी को केविन पर भरोसा है और केविन खुद नदी के दूसरी तरफ चला जाता है। उसे यूसी को बचाने के लिए कुछ इंतजाम करना था, इसलिए उसने यूसी से उसे नाव में चाकू देने के लिए कहा, लेकिन चाकू देते वक्त यूसी खुद पर काबू नहीं रख पाता और नदी की तेज धारा में बह जाता है। वहाँ पानी का बहाव इतना तेज था कि यूसी को भी पता नहीं चल सका कि वो कहाँ बह रहा है, और ऐसी धारा के सामने केविन बेबस है और उसके पास खड़े रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। यूसी नदी की तेज धारा में बहती जा रही है और वो नदी में चट्टानों से टकराती रहती है। काफी देर के बाद यूसी बड़ी मुश्किल से एक चट्टान को पकड़कर किसी तरह नदी के किनारे तक आए। फिर उसने चट्टानों को थोड़ा थोड़ा पकड़कर ऊपरी तल पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन काफी दूर चढ़ने के बाद वो फिर से फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन यूसी हार नहीं मानता और बड़ी मुश्किल से आखिरकार ऊपर चढ़ जाता है। वो केविन के लिए चिल्लाती है लेकिन कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो उससे बहुत दूर आ गया है। कुछ देर बाद अपने बैग को नदी के पानी में तैरता हुआ देखकर वो किसी तरह पानी में कूद जाता है और बैग को बाहर निकालता है और फिर बैग से दवा की एक बोतल निकालता है। ये दवा की बोतल काल ने उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहा। यह एक दवा या एनर्जी टैबलेट है जो लोगों की थकान दूर कर सकती है। फिर पहाड़ पर चढ़ने के बाद वो अपने दोस्त केविन को ढूंढने के लिए कई जगहों पर जाता है, लेकिन उसे कहीं भी केविन नहीं मिलता है। फिर वो एक नोटपैड में कुछ लिखता है और उसे एक कपड़े में लपेटा और दूर चला गया ताकि केविन को आसानी से संकेत मिल सके कि वो आसपास ही कहीं है। इसी तरह 6 दिन बीत गए। यूसी घने जंगल में अकेला भटकता रहता है। फिर एक दिन वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ का फल खाने के लिए एक जहरीले सांप को पत्थर से कुचल देता है। और आप अच्छी तरह से देखेंगे कि सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान ऐसा करता आ रहा है। मनुष्य अपनी भूख मिटाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर दूसरे जानवरों को मारने से भी नहीं हिचकिचाता। उसके बाद वो सारा दिन जंगल में घूमता रहता है और रात को किसी भी स्थान पर जाकर लेट जाता है। इससे पता चलता है कि अकेले रहने के कारण यूसी को अब मतिभ्रम होने लगा है, यानी उसे अपनी आँखों में गलत नजर आने लगा है। कभी वो सपने में खुद को देखती है तो कभी सामने खड़े मार्कस को देखती है। जंगल में तरह तरह के खतरों और जानवरों के डर से वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। एक दिन रात को ऐसे ही लेटे हुए उसने अचानक एक बाघ को अपनी ओर आते देखा, जिससे वो बहुत डर गया और खुद को बचाने के लिए उसने लाइटर जलाया और एक बोतल में कुछ डालकर आग पर छिड़क दिया और किसी तरह वो बच गया। अगली सुबह यूसी के सिर में तेज दर्द होने लगा और उसके माथे का एक हिस्सा सूज गया। दरअसल कुछ दिन पहले एक जोंक किसी तरह उसके सिर में घुस गई और कुछ समय तक उसके माथे में जिंदा रही, लेकिन इस बार यूसी अब दर्द सहन नहीं कर सका। उसने किसी नुकीली चीज से अपना माथा काट लिया और जोंक को बाहर निकाल लिया। और यह वो जोंक नहीं है जो हम अपने आसपास देखते हैं, बल्कि अमेज़न जंगल की भयानक जोंक है। यूसी इतना असहाय हो जाता है कि उसके पास पूरे दिन जंगल में घूमने और हाथ में जो कुछ भी मिलता है उसे खाने के अलावा जीवित रहने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो जंगल में इधर उधर भटकता रहा और उसके पास जो नक्शा था उसे देखकर वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। इस सुनसान जंगल में यूसी को बहुत अकेलापन महसूस हुआ, जो वास्तविक था। इस तरह जंगल में घूमते घूमते एक समय यूसी के पैर में भी मार्कस के पैर जैसा घाव हो गया। अगले दिन जंगल में घूमते समय उसे एक पैरों के निशान दिखाई देता है और उसे एहसास होता है कि उसका दोस्त आसपास हो सकता है, क्योंकि इस पैरों के निशान एक इंसान का है।
लेकिन जैसे ही उसने अपने दोस्त को आवाज लगाई तो उसने देखा कि उसके सामने एक पक्षी के अंडे का छिलका पड़ा हुआ है। दरअसल यूसी ने पिछले दिन इस जगह से गुजरते वक्त इस पक्षी के दो अंडे खा लिए थे, इसलिए ये दोनों पैरों के निशान किसी और के नहीं बल्कि उसके खुद के पैरों के निशान थे। उसे इस बात का अच्छे से एहसास होता है कि वो बार बार उसी जगह से होकर वापस जा रहा है। इस तरह वो असहाय अवस्था में दिन गुजारता है और एक समय ऐसा आता है कि वो मानसिक रूप से टूट जाता है। फिर वो अपने परिवार के बारे में सोचने लगा। कभी कभी वह खुद को दोषी मानता है क्योंकि वह काल और मार्कस के निषेध को सुने बिना अकेले ही नदी पर जाना चाहता था। कुछ देर बाद भारी बारिश होने लगी और इस बारिश से नदी का प्रवाह बढ़ गया। वो बस किताब को अपने सीने से लगाता है और अपने भगवान पर भरोसा करता है। दूसरी ओर कुछ स्थानीय लोग केविन को जंगल की नदी के किनारे पड़ा हुआ पाते हैं और उसे इलाके में ले आते हैं। ठीक होने के बाद केविन वहाँ के वन अधिकारी को बताता है और अपने दोस्तों को ढूंढने का अनुरोध करता है। वहाँ के अधिकारी केविन के अनुरोध पर उन्होंने एक विमान लिया और पूरे जंगल की तलाशी ली, लेकिन उस घने जंगल से कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी ओर यूसी को नदी के किनारे पर देखा गया। उसने उड़ान योजना को देखा, इसलिए उसने लाल कपड़े की मदद से अपनी उपस्थिति को समझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद जब केविन ने दोबारा वन अधिकारी से बात की तो वन अधिकारी ने उनसे कहा, अगर 3 हफ्ते के बाद अमेजन जंगल में कोई आदमी नहीं मिला तो समझ लेना कि वो आदमी अब जिंदा नहीं है। वहाँ से तुम जिंदा वापस आ गए, यह एक बड़ी बात है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी। फिर यूसी कहती है कि चाहे कुछ भी हो, मैं केविन को वहाँ से वापस लाऊंगा और मुझे विश्वास है कि केविन अभी भी जीवित है। उस तरफ यूसी को एक आदिवासी लड़की दिखी। पहले तो लड़की यूसी को देखकर डर जाती है, लेकिन धीरे धीरे लड़की उसके साथ घुलने मिलने लगती है। हालांकि आदिवासी लड़की यूसी को नहीं समझती थी, फिर भी यूसी उससे हर समय बात करती रहती थी। इतने समय के बाद कम से कम उसे बात करने के लिए कोई तो मिल गया। अकेले रहने के कारण वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। उसने बचने की उम्मीद छोड़ दी है और वो लड़की भी शायद इसी जंगल में खो गई थी। फिर वो लड़की को आश्वासन देता है कि एक दिन हम सही जगह पहुंचेंगे, चिंता मत करो, ऊपर वाला हमारे साथ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लड़की फिर भी एक शब्द नहीं कहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि यूसी इतने समय से इन सब चीजों की कल्पना कर रहा था, यानी वो लड़की यूसी का मतिभ्रम थी। एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसमें जब कोई व्यक्ति अत्यधिक अकेलेपन से पीड़ित होता है तो वह अपने मन के अंदर कोई भी चरित्र बना लेता है, भले ही वह चरित्र काल्पनिक हो, वो उसके साथ समय बिताता है। तो यूसी की मानसिक स्थिति भी वैसी ही थी और वो खुद नहीं समझ पाता कि वो लड़की केवल उसकी कल्पना है, वो इस घने जंगल में एकमात्र इंसान है। यूसी पागलों की तरह जंगल में घूमता रहता था, कभी सोचता हुआ लगता था और कभी बिना किसी कारण के अकेले हंसता हुआ, यानी वो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोता जा रहा था। इस तरह जंगल में भटकते हुए वो रेत में गिर गया और लगभग उसकी गर्दन तक रेत में डूब गया था। वो जितना अधिक हिलता है उतना ही अधिक अंदर जाता है। कुछ समय बाद उसने अपना मन शांत कर लिया क्योंकि उसे अपने भगवान पर बहुत विश्वास था। उसे अपने दिल में विश्वास था कि भगवान मेरे साथ है और मैं इस तरह नहीं मर सकता। उसने बहुत धीरे धीरे प्रयास किया और एक पेड़ की शाखा को पकड़कर थोड़ा थोड़ा करके उस घने जंगल से बाहर निकलने में सफल रहा। लेकिन इतने समय तक इतना कष्ट सहने और ठीक से न खाने पीने के कारण उसके शरीर में ताकत नहीं रही, लेकिन फिर भी उसका मन खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो वह ऐसे ही लुढ़क गया और एक पेड़ के सामने गया और उस पेड़ पर बहुत सारी जहरीली चींटियां थी। फिर जैसे ही उसने पेड़ की शाखा को कसकर पकड़ लिया, बहुत सारी चींटियां यूसी को काटने लगी और इस घने जंगल की जहरीली जंगली चींटियों द्वारा काटे जाने का असहनीय दर्द उसे और भी कमजोर बना देता है। लेकिन आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उसने जानबूझकर उन चींटियों को अपने शरीर पर काटने दिया। चूंकि उसके शरीर में कोई ताकत या एनर्जी नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा किया ताकि वो असहनीय दर्द से भाग सके। और यूसी इतनी सारी चींटियों के काटने को सहन नहीं कर सका और सचमुच भागने लगा। वो अपने निकट के सभी लोगों की कल्पना करने लगा। जंगल में उसने जो मतिभ्रम देखा था, वे सभी दृश्य चलचित्र की तरह उसके सामने तैरने लगे। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उससे कह रहा हो, यूसी तुम ये कर सकते हो, तुमको करना ही होगा। दूसरी ओर केविन एक नाविक से मिलने जाता है जो जंगलों और नदियों को अच्छी तरह से जानता है। केवल इस नाविक के लिए ही यूसी ढूंढना संभव हो सकता है, इसलिए केविन उसे उस नदी पर ले जाने के लिए कहता है। लेकिन एक आदमी 17 दिनों से लापता है, वह भी अमेजन के घने जंगल में। ये जानने के बाद माझी कहता है कि तुम और किसे ढूंढने जा रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि इतने समय बाद भी वह जीवित है, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन केविन बड़े विश्वास के साथ कहते हैं,
मेरा दोस्त अभी भी जिंदा है, मुझे विश्वास है। वो एक आखिरी कोशिश करना चाहता है। केविन ने नाविकों से मदद की भीख मांगता रहता है और वो उसकी नाव भी खरीदना चाहता है। अंत में नाविक केविन के अनुरोध पर नदी पर यूसी की तलाश में निकल गया। इस बीच यूसी को नदी के किनारे कुछ लकड़ी के साथ वाई बनाते हुए देखा गया। वाई का मतलब है कि उसने अपने नाम का पहला अक्षर लिखा है, ताकि यदि कोई उसकी तलाश में आएगा उन्हें पता चल जाएगा कि यूसी आसपास ही है। फिर वो वाई के मध्य में बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। यूसी के सामने एक कछुआ आता है, लेकिन थका हुआ और भूखा होने के बावजूद यूसी कछुए को नहीं मारता, क्योंकि उसे अब जिंदगी की कीमत का एहसास हो गया है। वो जानता है कि चोट लगने पर कितना दर्द होता है। इतने लंबे समय तक जंगल में भयानक जीवन से लड़ने के बाद वो अन्य जानवरों की धारणा को समझ पाता है। यूसी आसमान की ओर देखा और उसे इतने लंबे समय तक जीवित रखने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। इस बीच दो दिनों तक नदी में भटकने के बाद केविन ठीक उसी स्थान पर पहुंचता है जहां यूसी ने वाई लिखा था, लेकिन यूसी कहीं दिखाई नहीं देता है। तब नाविक ने कहा कि इससे अधिक गहराई तक जंगल में जाना संभव नहीं है और यह सुरक्षित भी नहीं होगा, और जहां नदी का बहाव बहुत उथला है वहां नाव चलाना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें अब वापस जाना होगा। केविन निराश हो जाता है, लेकिन उसे यहां से वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन जब भी वे नाव को विपरीत दिशा में मोड़ने लगते हैं तो उनकी बातें कुछ दूरी पर लेते हुए यूसी के कानों तक पहुंच जाती है। यूसी ने अपनी पूरी ताकत से खड़े होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसके पास अपने दोस्त को जोर से चिल्लाने की ताकत नहीं थी। वो कुछ दूरी पर असहाय खड़ा होकर लौटती हुई नाव को देखता रहा, लेकिन सौभाग्य से या भगवान की कृपा से केविन अचानक कुछ दूरी पर कमजोर और थके हुए यूसी को खड़ा देखता है। फिर वो खुशी से चिल्लाता है। वो जल्दी से नाव अपने दोस्त के पास ले गया और उसे गले लगा लिया। जब यूसी केविन को देखती है तो अपने आंसू नहीं रोक पाती। केवल वही जानती है कि उसने अपने जीवन के लिए कैसे संघर्ष किया है और इस जंगल में जीवित बची है। इसके बाद केविन अपने दोस्त यूसी को वहां से वापस ले गया। 19 दिनों के असहनीय दर्द के बाद यूसी अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। इसके बाद केविन यूसी के साथ इलाके में आता है। हर कोई ये देखकर हैरान हो जाता है कि कोई इतने भयानक जंगल में इतने लंबे समय तक रहने के बाद वापस आया है और अपने भगवान को धन्यवाद देने लगता है, और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। भले ही फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन ये सच्चाई है कि काल और मार्कस नहीं मिले हैं। और कुछ समय बाद पता चला कि पुलिस काफी समय से काल की तलाश कर रही थी, और काल बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। वो जंगल में घूमने आए कई लोगों को झूठ बोलकर जंगल में ले जाता था और फिर उनका कोई पता नहीं चलता था। शायद काल उन्हें भी कुछ करने के लिए जंगल में ले आया था, लेकिन अंत में केविन और यूसी अलग हो गए। शायद इसलिए वे काल से बच गए। और जिन लुप्तप्राय स्वदेशी समुदायों के बारे में काल ने अमेज़न जंगल में रहने की बात की थी, वे कभी नहीं पाए गए। इसके बाद केविन और यूसी अपने सामान्य जीवन में वापस आ जाते हैं। केविन ने जंगल में अपना फोटोग्राफी का काम जारी रखा और यूसी 10 साल बाद नदी के किनारे अमेज़न जंगल में वापस चला गया। जी हाँ, इस पागल को एक बार में अच्छी शिक्षा नहीं मिली, इसलिए वो फिर से यात्रा करने चला गया। वैसे भी यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, यह वास्तविक जीवन में किसी के साथ हुआ था और उसका भी नाम यूसी गिन्सबर्ग था।